Hi guys, once again welcome to our YouTube channel. तो चलिए देखते हैं what is the formula. The T of n is equal to a plus n minus 1 of d. So a, where a is equal to first term. Whatever your sequence, you have to consider the first term as a. उसे आपको a consider करना है. Next d. d is the difference, that is a common difference. ये जो sequence है वो कौन से भी दो टर्म्स में का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो. डिफरेंस ये कॉमन है इसलिए डिफरेंस सेम ही होगा. सो यू हैव टू राइट डाउन d इज इक्वल टू दैट टर्म. नेक्स्ट t ऑफ n, ये जो आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होगी दैट इज t ऑफ n, एंड द लास्ट इज n. n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो चलिए देखते हैं कि आपको इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है इन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी एंड सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25. सो सी दिस आर नॉट द सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल नंबर्स. ये सीक्वेंस है बट वन बाय वन नेचुरल नंबर्स नहीं है. सो आप ये जो सीक्वेंस दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन सीक्वेंस. गिवन क्या दिया है सीक्वेंस, 5, 10, 15, 20 and then 25. सो इट इज अ इनफाइनाइट नंबर बिकॉज द लास्ट टर्म यू डोंट नो. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन करना है. क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द 28th टर्म. सो यू हैव टू फाइंड आउट टी ऑफ 20 टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी. सो टी ऑफ 20 आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ए लगने वाला है. एंड व्हाट इज द ए, ए इज योर फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर है ये सीक्वेंस का 5. देन डिफरेंस डी, डी भी आपको कैलकुलेट करना है. सो डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द डी, कौन से भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेना है. सो सेकेंड माइनस हम सपोज फर्स्ट लेंगे, सो 10 माइनस 5, सो डी इज इक्वल टू 5. तो आपका ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप ऐसे इस तरह से भी इसे लिख सकते हो. सपोज इसको हमने कह दिया है टर्म 1 दैट इज टी 1, इसको लिखना है टर्म 2 दैट इज सेकेंड टर्म, टी 3, टी 4 एंड टी 5 एंड सो ऑन. इस तरह से भी आप लिख सकते हो, या फिर d इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो, हमने किया है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज टी 2 माइनस टी 1. इस तरह से भी आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो. ओके नाउ n, n इज इक्वल टू, नाउ n, n मीन्स इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स है, 28 टर्म आपको फाइंड करना है. दैट मीन्स इसमें 20 नंबर्स है, टोटल नंबर्स आर 20. तो यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन टू द फॉर्मूला. मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, वी नो टी ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन टू योर फॉर्मूला. सो t ऑफ 20 इज इक्वल टू, वॉट इज द वैल्यू ऑफ a, a इज 5, पुट हियर 5. देन n माइनस 1, वॉट इज द वैल्यू ऑफ n, 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. वॉट इज द d, d हमने अभी कैलकुलेट किया है, d इज योर 5. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ओनली. सो t ऑफ 20 इज इक्वल टू 5 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 20 माइनस 1 इज 19 मल्टीप्लाई बाय 5. सो t ऑफ 20 इज इक्वल टू 5 प्लस, मल्टीप्लीकेशन कर दो 19 मल्टीप्लाई बाय 5, 19 मल्टीप्लाई 5 इज
So t of 20 is equal to (95 + 5) = 100. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में 20th टर्म होगी आपकी 100. सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर टर्म ऑफ योर एपी. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. एंड अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.